गुड इवनिंग क्लास. इन योर साइंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी इस चैप्टर का मतलब है कि कैसे किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है. ठीक है, इसकी जो सबसे पहले इन्वेंशन थी या डिस्कवरी जिसने की थी वो ऑरेस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने की. उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्वेशन किया कि अगर किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है. ठीक है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को या मैग्नेटिक नेल्स वगैरह को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो उसने ये पाया कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ जनरेटर्स वगैरह बनाने में. जो हम लोग पढ़ते हैं कि जनरेटर बनाया जाता है या करंट फ्लो कर रही है उससे मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, तो उस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस आया. ठीक है, इस खोज को लेकर के जैसे कि अगर ये पाया गया कि अगर हम करंट इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं तो ये भी तो पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट कर सकते हैं. तो इसकी खोज की थी फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने. उसने ये पाया था कि हम मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड वाइस वर्सा. यानी मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो ऑरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कुछ इस प्रकार से था कि उसने एक पेपर लिया, एक कार्डबोर्ड और उसने यहाँ से एक वायर यहाँ से मूव करा दिया. ठीक है, वायर को फ्लो करा दिया और यहाँ उसने छोटे 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 आयनस के टुकड़े ऐसे बिखेर दिए. ठीक है, और जब उसने यहाँ से करंट फ्लो कराना शुरू किया ऊपर की डायरेक्शन में, तो उसने पाया कि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि ये सारे जो नेल्स हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट पे अपने आप को अरेंज करके जा रहे थे. यानी अब वो टेढ़े मेढ़े नहीं हो रहे थे, वो कैसे हो रहे थे, ऐसे सर्कुलर में अरेंज कर रहे थे ऐसे. यानी पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहां से स्टार्ट में और कहां से एंड हो रहे हैं. ठीक है, जैसे एक सर्कल रहता है ना, पता ही नहीं चलता उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है. उसी प्रकार से नेल्स भी अपने आप को क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अरेंज कर रहे थे, प्रॉपर वे में अरेंज करते जा रहे थे एक कार्डबोर्ड में. जैसे कि जस्ट सपोज कि अगर ये कोई वायर है, ठीक है, इससे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ वो ऐसे नेल्स अरेंज करते जा रहे थे कार्डबोर्ड में. ठीक है, क्योंकि ये डिपिक्ट कर रहा था कि एक अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट में एंड होता है. जैसे कि एक मैग्नेट अगर बनता है होता है, ठीक है, एक मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो इसकी जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती है वो नॉर्थ से जनरेट होकर के साउथ में एंड होती है. क्या होती है, नॉर्थ से जनरेट होकर के साउथ में एंड होती है बाहर की तरफ से. लेकिन जब अंदर में देखते हैं तो अंदर में ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है. कहाँ करती है, नॉर्थ से साउथ. यानी मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है वो नॉर्थ से चालू होकर के साउथ में एंड होती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है. फिर उन्होंने कुछ और डिस्कवरी की, उन्होंने ये कहा कि मैग्नेट के पास जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है वो क्लोजली अरेंज रहती है. क्या रहती है, यानी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होती है जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फील होता है. ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है. ये जब इनके पास हो जाती है तो स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो इन लोग फैलती जाती है, और जिसका उतना क्या होता है, स्ट्रेंथ उतनी वीक हो जाती है. यानी पास में रहो, जैसे सिंपल सी बात है कि मैग्नेट मैग्नेट को पास लेके आओ तो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि उनको अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है, पर जैसे उनको दूर ले जाओ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं. इसका मतलब यह है कि मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस काफी क्लोज और स्ट्रांग होती है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे उसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस काफी वीक होती जाती है, डिस्टेंस के साथ साथ वीक होते जाते हैं. तो उसने भी इसमें यही पाया कि जो पास वाले जो नेल्स थे
वो प्रॉपरली अलीट होते जा रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम टूट जा रहे थे ना, तो इसका इफेक्ट कम होते जा रहा था, यानी अब वो बाहर के और नेल्स को अरेंज नहीं कर पा रहा था। तो उसने इस बेसिस पे बताया कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, यानी किसी वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास जो रहेगा काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे उसका इफेक्ट कम होता जाता है। ठीक है, तो ये उसने डिस्कवरी की थी उस दौरान। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ चीजें हमें जानने के लिए जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? जानना ये जरूरी है कि अगर करंट जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, करंट जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अगर करंट कम है, मान लो 1 एम्पियर का करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक रहेगा। करंट ज्यादा है, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, तो उतना ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि कैसे होता है। तभी बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मर वगैरह के पास से मत निकल रहे हो, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा हाई करंट फ्लो करता है। हाई करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, वो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे अर्थ, अर्थ क्या है? अर्थ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों है? क्योंकि अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन का भंडार है। ठीक है, इसलिए घर में अर्थिंग की जाती है कि कभी अगर एक्स्ट्रा करंट फ्लो कर गया तो अर्थ अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके घर को शॉक से बचा देगा। तो अर्थ के पास अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और करंट फ्लो किसकी वजह से करता है? इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तभी करंट फ्लो करता है। तो अर्थ क्या करता है? अपने अंदर सैकड़ों अनगिनत इलेक्ट्रॉन अपने अंदर स्टोर करके रखा है। अगर कोई स्टोर करके रखा है यानी उसके अंदर करंट होगा, और अगर करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी चारों तरफ जनरेट होता जाता है। तो अर्थ क्या है? अर्थ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जो कभी किसी को भी अपने से बाहर जाने नहीं देता है। तो उसको बाहर जाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ता है। तो ये एक रीजन है इसका। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस किस डायरेक्शन में जनरेट होगी? भैया उसकी तो डायरेक्शन होगी, मैंने कहती है परपेंडिकुलर है, लेकिन नहीं। तो उसने एक रूल बताया, राइट हैंड थंब रूल, यानी आपका राइट हैंड थंब अगर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, आपका डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, तो आपकी ये उंगली की मूवमेंट, ठीक है, ये उंगली की मूवमेंट बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जनरेट हो रही है। यानी अगर मेरा करंट ऊपर फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, तो आपका जो करंट है वो कैसे जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। कैसे? इस डायरेक्शन की। जस्ट सपोज कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। यानी जैसे घड़ी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वैसे। और अगर ये नीचे जा रहा है यानी नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो अब करंट का डायरेक्शन किधर हो गया? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये थंब, ये जो फोर फिंगर्स है आपके, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और थंब क्या बताता है? करंट का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? राइट हैंड थंब रूल हमें पढ़ना पड़ता है। ये पार्ट आपको याद रखना। तो ये किसने दिया था? ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइट के डायरेक्शन को कैसे निकालोगे? बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है क्लास, तो अभी इतना। अब मान लो कि किसी क्लोज, जैसे कि सिंपल सी बात, मान लो कि जैसे एक क्लोज सर्किट है, ठीक है, और मान लो इसके पास कहीं बैटरी लगी हुई है, प्लग लगा हुआ है, और यहाँ आपने गैल्वेनोमीटर आपने अरेंज कर दिया है। अगर मान लो करंट, जैसे करंट हमेशा ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो करंट हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव ही फ्लो करता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक बार मैग्नेट लगा दोगे जो डायरेक्शन प्रिडिक्ट कराता है, तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है अपना अलग अलग तरीके से। यानी अगर जैसे अभी करंट इधर जा रहा है तो उसका डिफ्लेक्शन किधर की थी? ये मतलब किसी और डायरेक्शन में होगा। अगर इसको इधर ला रहे हो तो उसका डिफ्लेक्शन किसी और डायरेक्शन में होगा। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं? इसका प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। सो वेट क्लास, तो क्लास आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू ड्यू टू अ करेंट थ्रू अ सर्कुलर रूल। यदि अगर कोई सर्कुलर वायर है, ठीक है, और इसमें यदि करेंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, ये आपको पढ़ना है। अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे करेंट, अगर जब भी कोई सर्कुलर रूप में करेंट फ्लो कर रहा है, जैसे मान लो स्ट्रेट वायर था, मैंने उसको सर्कुलर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे करेंट के दो डायरेक्शन है, एक तो ऊपर जा रहा है यानी साउथ टू नॉर्थ नॉर्थ जा रहा है, और एक नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। यानी अभी जो मैंने आपसे कहा कि जब ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, और जब नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, यानी दोनों तरफ क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। यानी एक जब ऊपर जा रहा है तो इसमें ऐसा माना जाता है
कि एक हाफ में, जैसे मान लो ये यहाँ पहुंच गया और ये यहाँ आया, ठीक है, मान लो ऐसे मटा दिया कि एक जगह उल्टा जा रहा है एक जगह उल्टा, यानी एक ये जो ऊपर वाले की वजह से है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट करेगी, कैसे, इस डायरेक्शन में जनरेट करेगी, इस डायरेक्शन, ठीक है, और इसकी वजह से किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, एक में अगर इधर जा रही है ऐसे मान लो ये, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और इसमें ऐसे जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इससे, एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से बीचों बीच में ऐसा अपीयर होता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, जो दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग बता रही है। तो इसमें जैसे थ्योरी में लिखा है, वी हैव सो फॉर ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड द करंट इज पास थ्रू इट, हाउ मच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन लुक लाइक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिखेगी, वो कुछ ऐसी दिखती है। वी नो डेट अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, यानी इसमें जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं उतना उतना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या होता जाता है, वीक होता जाता है, यानी जो मैग्नेटिक लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी जितना ज्यादा दूरी उतना कम आपका करंट, और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि आपके में दिया गया है सिर्फ थ्योरी में कहा गया है, ठीक। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर रूप द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, यानी जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा इसको देखो ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। By the time we reach at the center of the circular loop, the arc of this bigger circle would appear to be a straight line. यानी जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ना कि ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है, कैसे लगता है कि स्ट्रेट लाइन, यानी यहां से दूर आ गया यहां से भी दूर आ गया, मिडिल में जैसे पहुंचता हूं तो मिडिल में एक स्ट्रेट लाइन दिखना शुरू हो जाती है। By that, every point of the wire carrying current will give rise to a magnetic field appearing as a straight line at the center loop. यानी इसका सिर्फ ये point magnetic field में योगदान नहीं देगा, सारे के सारे देंगे, magnetic lines of forces में सारे के सारे क्या करेंगे, अपना अपना योगदान देते जाएंगे। So, it is easy to check the by applying the right hand rule, it is easy to check the every section of the wire contribute the magnetic field lines in the same direction within the loop. We know that a magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. यानी ये magnetic field किसके directly proportional है, current के directly proportional है, तो इसमें जो भी लिखा है confused मत होना, मैंने सब आपको इन दोनों में और इस diagram में बता दिया है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुईगा। Therefore, if there is a circular coil having n turns, the field produced is n times as large as the produced by a single turn. यानी अगर इसकी जगह एक वायर की जगह मैं 100 वायर ले लूं, 200 वायर ले लूं, तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा जनरेट होगा, सबके सब सम अप होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, सम सम सम। जैसे सिंपल सी बात है, मैं किसी गाड़ी को धक्का दे रहा हूं, ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा धक्का लगेगा, 10 लोग आके धक्का दिए तो गाड़ी बहुत ज्यादा चलने लगेगी, तो सबका फोर्स क्या हो रहा है, सम होते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको इसमें यही बताना चाह रहा है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन ए सोलेनोइड। सोलेनोइड का मतलब होता है कि ऐसे क्या है, सोलेनोइड कैसे होता है कि एक मान लो कोई आपने पार्टिकल ले लिया, लोहे का रॉड जैसे ले लिया, या फिर कोई कार्डबोर्ड का रॉड ले लिया, उसके चारों तरफ आपने क्या किया, वायर को बांध दिया, ऐसे कॉपर वायर की बेंडिंग कर दी, एंड टाइम्स इसमें क्या की बेंडिंग कर दी, यानी एक तो कहीं से जुड़ा है और लास्ट वाला एंडिंग पॉइंट कहीं से जुड़ा है, तो इसको हम लोग सोलेनोइड बोलते हैं। सोलेनोइड में क्या होता है कि बाहर की तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर दिखता है पर अंदर आपको नजर नहीं आता है। तो अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनोइड। यानी एक कॉइल आपने ले लिया, या लोहे का कॉइल ले लिया, या कार्डबोर्ड ले लिया, उसके चारों तरफ वायर को लपेटते हैं सिलेंड्रिकल शेप में, वो सोलेनोइड कहलाता है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड इज शोन इन फिगर 13 आपके बुक में दिया गया है, कि कुछ इस तरीके से रहता है कि ये जनरेट होके वापस यहाँ आना शुरू हो जाती है, ये जनरेट होके वापस यहाँ आना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इधर मिडिल में हमको ये स्ट्रेट लाइन की तरह ऑब्जर्व होती है, जैसे इसमें नजर आता है, बीच में कैसे लगती है, स्ट्रेट लाइन की तरह ऑब्जर्व होती है।
कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट, डू दे लुक सिमिलर। अब जैसे बार मैग्नेट में क्या होता है, मैंने आपसे कहा ना कि बाहर की तरफ अंदर जाते हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं और अंदर स्ट्रेट लाइन रहती है टॉप से नॉर्थ की तरफ, तो ये सेम उसकी तरह पैटर्न देता है। अब एक चीज और याद रखना, दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी ओवरलैप नहीं करती, जैसे यहाँ मैंने गलती से कर दिया, वो कभी भी ओवरलैप नहीं करती है, हमेशा शुरू होगी खत्म होती ही होती है, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनाइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, जैसे इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज ऑल द पॉइंट इनसाइड द सोलेनाइड, यानी जैसे इसके अंदर सबके सब इक्वल है वैसे इसके अंदर भी सबके सब इक्वल है। ठीक है, तो इससे आपको आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसमें और थोड़ा डीप पढ़ाऊंगा सोलेनाइड के बारे में एंड द फोर्स ऑफ अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। Till then, all of you must read the theory from the book and try to understand. If you have any doubt, you are free to ask me anytime. Okay, take care.